वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 15 मूव यूज बाय ओनली वन पोकेमोन्स के बारे में। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लिस्ट जितने भी मूव होने वाले ना, उनको मैंने पावर वाइज कंपेयर नहीं किया है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि नंबर 10 पर जो मूव है उसे नंबर 1 पर होना चाहिए था। मैंने पावर वाइज किसी भी मूव को कंपेयर नहीं किया है, मतलब कुछ ऐसे मूव जिनको कि पूरे पोकेमोन के एनिमे में सिर्फ एक ही पोकेमोन इस्तेमाल कर सकता है। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। नंबर 15 पर है गाइज स्केयर्ड फायर। ये मूव वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पॉपुलर पोकेमोन हो का सिग्नेचर मूव है। गाइज स्केयर फायर एक फायर टाइप मूव है। अब भले ही पोकेमोन के एनिमे में हमें अभी तक ये मूव देखने को नहीं मिला, बट गाइज पोकेडेक्स के अकॉर्डिंग ये जो मूव है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर बात करें पावर की तो गाइज स्केयर फायर की जो पावर है वो है 100% और एक्यूरेसी जो है वो है 95%। गाइज ऑब्वियसली पावर तो होगी ही ना, एक गॉड पोकेमोन का अटैक है, ऑब्वियसली पावर तो होना ही है। नंबर 14 सीड फ्लेयर। गाइज सीड फ्लेयर वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट पोकेमोन की है, मेरा मतलब है शेमिन की सिग्नेचर मूव है जो कि एक ग्रास टाइप है। और अगर बात करें मूव की तो ये मूव अभी तक हमें पोकेमोन के एनिमे में एक भी बार देखने को नहीं मिला है। अब भले ही देखने को नहीं मिला है बट पोकेडेक्स के अकॉर्डिंग ये मूव भी काफ़ी पावरफुल है और इसे सिर्फ शेमिन ही यूज़ कर सकता है। बात करें पावर की तो इस मूव में पावर है 120 और एक्यूरेसी है 85%, जो कि ऑब्वियसली ये दर्शाता है कि ये मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए आज की लिस्ट में ये शामिल है। नंबर 13 एरो ब्लास्ट। गाइज एरो ब्लास्ट पोकेमोन के एनिमे में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरे अकॉर्डिंग और सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन की सिग्नेचर मूव है जो कि है लुगिया। गाइज ये मूव एक फ्लाइंग टाइप का मूव है जो कि सिर्फ लुगिया ही इस्तेमाल कर सकता है। अब ये मूव हमें एनिमे में कई बार देखने को मिला है, जहाँ पहली बार पोकेमोन की मूवी ऑरेंज लीक में लुगिया ने इस मूव की मदद से एक पूरे ग्लेशियर प्लस एक बड़े मशीन तक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ पर हमें पता लगा था कि ये मूव कितना ज़्यादा पावरफुल है। और बात करें पोकेडेक्स की तो पोकेडेक्स में इस मूव में जो पावर बताई गई है वो है 100% और जो एक्यूरेसी है वो है 95%। सो नो डाउट कि लुगिया का एरो ब्लास्ट बहुत ही पावरफुल है और ये मूव सिर्फ लुगिया ही इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए आज की लिस्ट में ये मूव तो आना बिल्कुल ही डिजर्व ही करता है। नंबर 12 गाइज साइज स्ट्राइक। गाइज साइज स्ट्राइक पोकेमोन के एनिमे में सबसे ज़्यादा पावरफुल जाने माने वाले पोकेमोन म्यूटू का सिग्नेचर मूव है और ये सिग्नेचर मूव है म्यूटू का। और आप लोगों को तो पता ही है कि म्यूटू कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो ऑब्वियसली उसका सिग्नेचर मूव भी बहुत ही पावरफुल है। और क्योंकि ये उसका सिग्नेचर मूव है तो ऑब्वियसली पूरे पोकेमोन के एनिमे में ये मूव सिर्फ म्यूटू ही इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि पोकेमोन के एनिमे में हमें अभी तक ये मूव इस्तेमाल करते हुए म्यूटू को देखने को नहीं मिला है। पर बात करें पावर की तो इस मूव में पावर है 100%, मतलब 100% डैमेज होगा और जो एक्यूरेसी है वो भी 100% ही है। सो नो डाउट कि ये मूव काफ़ी पावरफुल है। ऑब्वियसली देखना भी तो होगा ना कि कौन ये मूव इस्तेमाल कर रहा है, ऑब्वियसली म्यूटू है, तो इसलिए आज की लिस्ट में साइज स्ट्राइक आना बिल्कुल ही डिजर्व करता है। नंबर 11 द थाउजेंड ऑफ एरोज। गाइज ये मूव है वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटेड पोकेमोन जायगार्ड का सिग्नेचर मूव। गाइज इस मूव में होता तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ काफ़ी कुछ हाइपर बीन की तरह ही है। और पर बात करें पावर की तो ये मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गाइज इस मूव की मदद से जायगार्ड ने एक पहाड़ प्लस एक बड़े पत्थर तक को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। सो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूव कितना ज़्यादा पावरफुल है। वैसे ये एक फ्लाइंग टाइप मूव है। और बात करें पावर की तो इस मूव में जो पावर है वो है 90 और जो एक्यूरेसी है वो है 100%। नंबर 10 द बिग इलेक्ट्रो बॉल। गाइज ये मूव हमें पहली बार यूनोवा रीजन में देखने को मिला था और इस मूव को यूज़ किया था ऑलमोस्ट सभी पोकेमोन फैंस का फेवरेट पोकेमोन पिकाचू ने।
मतलब ये जो मूव है इसको कई पोकेमोन ने इस्तेमाल किया है, बट जो बिग इलेक्ट्रो बॉल है वो मूव अभी तक किसी भी पोकेमोन ने परफॉर्म नहीं किया है, और ये मूव बस पिकाचू ने अभी तक इस्तेमाल किया है। यूनोवा रीजन के एक एपिसोड में जब तीन रॉकेट ने ऑलमोस्ट यूनोवा रीजन के सभी ट्रियो मेंबर्स को अपने वश में कर लिया था, तब उनको बचाने के लिए पिकाचू ने ये इलेक्ट्रोबॉल मूव यूज़ किया था, और आई थिंक ये इलेक्ट्रोबॉल अभी तक के सभी इलेक्ट्रोबॉल किए जाने वाले मूव में से सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और इस मूव को अभी तक से पिकाचू ने यूज़ किया है, इसलिए ये मूव आज की लिस्ट में हमारी शामिल है। और बात करें टाइप की तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक टाइप मूव है, और बात करें पावर की तो इसमें जो पावर है वो है 120 और जो एक्यूरेसी है वो है 100%। नंबर 9 वी क्रिएट। गाइज वी क्रिएट सिग्नेचर मूव है विक्टिनी पोकेमोन का। गाइज ये मूव हमें अभी तक पूरे पोकेमोन के एनिमे में बस एक ही बार देखने को मिला है, बट हालांकि सिर्फ एक ही बार ये मूव हमें देखने को मिला है, बट एक ही बार में इसका जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और इसने साबित कर दिया कि ये मूव कितना ज़्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली विक्टिनी भी पावरफुल है इसलिए उसका मूव भी इतना ज़्यादा पावरफुल है, और बात करें इस मूव की तो पूरे पोकेमोन के एनिमे में सिर्फ विक्टिनी ही ये मूव परफॉर्म कर सकता है। बात करें पावर की तो इस मूव में काफ़ी ज़्यादा पावर है 120, और बात करें एक्यूरेसी की तो ये है 100%, और ये एक ऑलमोस्ट सभी फायर टाइप मूव में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 8 पर आता है गाइज प्रिज्मैटिक लेज़र। गाइज ये सिग्नेचर मूव है सन एंड मून के दो सबसे पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन में से एक की, यानी कि नेक्रोज्मा का, ये एक सिग्नेचर मूव है। गाइज बात करें इस मूव की तो प्रिज्मैटिक लेज़र बाकी के मूव की तरह ही होता है, मतलब ये काफ़ी कुछ हाइपर बीन की तरह ही होता है पावर में, बट अगर बात करें इस एंगल से, मतलब प्रिज्मैटिक लेज़र बहुत ही पावरफुल मूव है और ये अलग अलग एंगल से अटैक करता है, लाइक जैसे कि ड्रैको मीटियोर वैसे ही कुछ तरह का ये मूव है। और बात करें पावर की तो इस मूव में जो पावर है वो है 100%, और इस मूव को पूरे पोकेमोन के एनिमे में बस नेक्रोज्मा ही यूज़ कर सकता है, और पावरफुल भी है, तो नो डाउट कि ये मूव क्यों नंबर 8 पर आना नहीं चाहिए। नंबर 7 पर है रोर ऑफ टाइम। गाइज रोर ऑफ टाइम सिग्नेचर मूव है द टाइम ट्रेवलर किंग पोकेमोन डायलगा का। ये मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है गाइज, आप इसकी पावर का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इस मूव को परफॉर्म करने के बाद लुगिया का जो पर्ल है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, सो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायलगा का ये सिग्नेचर मूव कितना ज़्यादा पावरफुल है। और बात करें इस मूव की तो ये एक ड्रैगन टाइप मूव है, और इसमें जो पावर है वो है 100%, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 95%, सो नो डाउट कि डायलगा तो पावरफुल है ही, बट उसका सिग्नेचर मूव भी उससे कुछ कम नहीं है। नंबर 6 पर आता है गाइज स्पेशल रेंड द किंग ऑफ स्पेस। पालकिया का सिग्नेचर मूव है और ये भी एक ड्रैगन टाइप का मूव है, और गाइज इस मूव की तो पावर का आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते, ये मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सिमिलर टू रोड ऑफ टाइम दोनों ही मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और स्पेशल रेंड बिल्कुल ही पावरफुल है रोड ऑफ टाइम की तरह, और ये मूव हमें कई बार एनिमे में देखने को मिल चुका है। बात करें पावर की तो इस मूव में जो पावर है वो है 100%, जो एक्यूरेसी है वो है 95%, बिल्कुल रोड ऑफ टाइम की तरह। नंबर 5 ब्लू फ्लेयर। गाइज ये मूव सिग्नेचर मूव है रशीराम का, यानी कि वो पोकेमोन जिसने यूनोवा रीजन को बनाने में जैक्रोम की हेल्प की थी, और गाइज जैक्रोम जितना यानी कि रशीराम जितना पावरफुल है ना उसका ब्लू फ्लेयर मूव उतना ही ज़्यादा पावरफुल है, और ये एक फायर टाइप मूव है। हालांकि ये मूव हमें एनिमे में देखने को मिल चुका है, बट इसकी पावर जितनी बताई गई है उतनी पावर हमें एनिमे में इसकी देखने को नहीं मिली है। और बात करें पावर की तो इस मूव की जो पावर है वो है 130, और जो एक्यूरेसी है वो है 85%। नंबर 5 गाइज ब्लोल्ट स्ट्राइक। गाइज ये सिग्नेचर मूव है यूनोवा रीजन के बाकी के यानी कि रशीराम के पार्टनर जैक्रोम की। ये मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये जैक्रोम का सिग्नेचर मूव है। बात करें इस मूव की तो ये इलेक्ट्रिक टाइप मूव है, और आई थिंक ये सारे इलेक्ट्रिक टाइप मूव में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये जैक्रोम इस्तेमाल करता है तो ये पावरफुल तो होना ही है ऐसे। और बात करें पावर की तो इसमें जो पावर है वो बिल्कुल सिमिलर है ब्लू फ्लेयर की तरह, यानी कि इसमें पावर है 130
और जो एक्यूरेसी है वो है 85%। नंबर 3 ड्रैगन असेंट। गाइस ये मूव एक फ्लाइंग टाइप का मूव है और ये मूव पूरे पोकेमॉन के एनिमे में बस एक ही पोकेमॉन परफॉर्म कर सकता है। आप लोगों को भी पता होगा ये मूव बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और ये पोकेमॉन भी काफ़ी पॉपुलर है जो कि है रक्वीज़ा। गाइस ये मूव कितना ज़्यादा पावरफुल है वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस मूव की मदद से मतलब सिर्फ एक हिट से ही इस मूव की मदद से रक्वीज़ा ने प्राइमल कायोगर और प्राइमल ग्रोडोन तक को पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया था। सो नो डाउट कि इस मूव का किसी भी मूव से कंपेयर करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। और बात करें इस मूव में पावर की तो वो पावर है 120 और जो एक्यूरेसी है वो है 100%। नंबर 2 हेड स्मैश। गाइज ये मूव सिग्नेचर मूव है, एक तरह से सिग्नेचर मूव भी कह सकते हैं जो कि है रैम्पर डॉस का। ये एक रॉक टाइप मूव है और पूरे पोकेमॉन के एनिमे में ये मूव सिर्फ रैम्पाडोस ही परफॉर्म कर सकता है। नंबर 1 साइको बूस्ट। गाइस ये सिग्नेचर मूव है मेरे सबसे फेवरेट पोकेमॉन की यानी कि डीऑक्सिस की। ये मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ऐसा पोकेडेक्स का कहना है। इस मूव की पावर का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इस मूव को इस्तेमाल करते हुए डीऑक्सिस ने ऑलमोस्ट सिनोह रीजन में पूरी तरह से तबाही मचा दिया था और इस मूव में सोलर बीन यानी कि सेप्टाइल के सोलर बीन तक को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइको बूस्ट मूव कितना ज़्यादा पावरफुल है। और बात करें पावर की तो इस मूव में पावर है 140%, पर इसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम है जो कि है आई थिंक 65%। गाइज यहीं पर ख़त्म होती है हमारी लिस्ट और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे कॉल पर सेट कर दीजिए ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। और हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। सो मिलते किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।